हम चैप्टर 7 कर रहे हैं ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। हम क्रेडिट कार्ड पढ़ चुके हैं, कंप्यूटराइजेशन पढ़ चुके हैं, नेट बैंकिंग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑल डे बैंकिंग क्या होती है। ऑल डे बैंकिंग मतलब पूरा दिन बैंकिंग, अगर इसे हम हिंदी कर रहे हैं तो पूरा दिन बैंकिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक हैव स्टार्टेड ऑल डे मतलब 27 आवर्स इनटू 7 डेज बैंकिंग फैसिलिटी, और 24 घंटे सातों दिन मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या है, बैंक जो ब्रांचेज है वो ओपन रहेंगे हमारे सातों दिन, इंक्लूडिंग संडे भी उसमें ओपन रहेगा और गेस्टेड हॉलीडे, जैसे हमारा अभी 26 जनवरी आने वाला है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हमारी गांधी जयंती, ठीक है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, हमारी सारी छुट्टियां हैं जी गेस्टेड, ठीक है। इन दिन भी ये खुलेंगे और इंक्लूडिंग संडे। दिस हेल्प द कस्टमर इन ट्रांजेक्शन, अगर उस दिन भी किसी को कोई ट्रांजेक्शन करना है, कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी अपना वर्क करना है तो वो कर सकते हैं। दैट इज ऑल डे बैंकिंग, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बार, मोस्ट ऑफ द बैंक स्टार्टेड, बहुत सिंपल से है, 24 घंटे सातों दिन हमारे बैंक खुले रहते हैं, इसमें हमारा संडे भी आ जाता है, संडे को भी बैंक खुले रहते हैं, कुछ बैंक की ऐसी ब्रांचेस है, ठीक है, जो संडे को भी खुली रहती है, ठीक है। ऑल 7 डेज इन अ वीक, गेस्टेड हॉलीडेज में भी हमारी खुली रहती है, किसके लिए, कस्टमर को हेल्प करने के लिए, किसमें, ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनीवेयर बैंकिंग। नेक्स्ट देखो एनीवेयर बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग क्या है। मोस्ट ऑफ द बैंक हैव स्टार्टेड दिस सर्विस, कहीं पे भी बैठे हम अपनी अपनी क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है एनीवेयर बैंकिंग का। मोस्ट ऑफ द बैंक हैव स्टार्टेड दिस सर्विस फॉर देयर कस्टमर एज पर दिस स्कीम, एज पर दिस स्कीम कस्टमर कैन ट्रांजेक्ट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ देयर प्लेस ऑफ देयर बैंक, ठीक है। मेरी SBI में, SBI की मेरा अलवर में अकाउंट है, मैं SBI के डेली में बैठे बैठे अपने ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ खाली SBI की ब्रांच से। ये मतलब है एनीवेयर बैंकिंग का, ठीक है, उसी बैंक की उसी ब्रांच से, ठीक है, कहीं भी। नेक्स्ट है हमारा ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा ATM फैसिलिटी, ये भी हमें 24 आवर्स 7 डेज 24 घंटे सातों दिन फैसिलिटी देता है टू द कस्टमर, ठीक है। बैंक्स, ठीक है, ATM की ब्रांचेस खोल रखी है बहुत सारे, सभी बैंक ने खोल रखी है मोस्टली क्या ATM की ब्रांचेस, ठीक है। कस्टमर इस पे एक सर्टेन अमाउंट तक विड्रॉ करवा सकता है इन अ डे ATM ब्रांच में, ठीक है, फ्रॉम अ डे एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ ATM कार्ड। बहुत सिंपल है, देखो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड 24 आवर्स इनटू 7 डेज बेसिक ट्रांजेक्शन फैसिलिटी टू द कस्टमर लीडिंग बैंक ऑफ द कंट्री आर एस्टैब्लिशिंग ATM ब्रांच। इसका क्या मतलब है, SBI का अपना ATM है, सबके अपने अपने ATM है, इसका ये मतलब है, ठीक है। कस्टमर लीडिंग बैंक, ठीक है, ऑफ द कंट्री आर एस्टैब्लिशिंग ATM ब्रांच, कस्टमर कैन विदड्रॉ, कस्टमर उसमें से क्या निकाल सकता है, पैसा विदड्रॉ का मतलब निकाल सकता है, कितना मैक्सिमम एक लिमिट होती है उसकी, कितना भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपके अकाउंट से ज्यादा निकाल सकते हो वो चीज, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकते हैं हम एक दिन में कभी भी एनी टाइम विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा ATM कार्ड होना चाहिए। हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इनोवेशन, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने क्रेडिट कार्ड, उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटराइजेशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ा हमने नेट बैंकिंग, फिर पढ़ा हमने एनीवेयर बैंकिंग, ऑल डे बैंकिंग, नेक्स्ट था हमारा ATM फैसिलिटी। ये कंप्लीट हो गए हैं, ये 5 to 6 थे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद एक हमारा मेन टॉपिक है ई बैंकिंग, इसके मीनिंग देखेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, इसमें भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यस, नेक्स्ट हम जो चैप्टर कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग, यूनिट 2 का हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, मोबाइल ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। हम इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके थे एक्चुअली में, कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, नेट बैंकिंग एंड एवरीथिंग, हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, मीनिंग पढ़ चुके थे, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पढ़ चुके थे, कंप्यूटराइजेशन पढ़ चुके हैं, मोबाइल बैंकिंग, ATM फैसिलिटी, ऑल डे बैंकिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग, एक्चुअल में होता क्या है ई बैंकिंग, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या होता है ये, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, व्यापार करो पर कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। बैंकिंग, ई बैंकिंग भी होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग। देखो इट इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग,
वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, हम इसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं। ई बैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको, वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं। इज द सर्विस दैट अलाउ कस्टमर टू एक्सेस देयर बैंक इन्फॉर्मेशन, कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेक डिपॉजिट, विदड्रॉ, पे बिल थ्रू इंटरनेट विदाउट हैविंग फिजिकल विजिट इन देयर बैंक। इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंस ऑफ एक्सेसिंग बैंक फैसिलिटी फ्रॉम देयर कम्फर्ट फ्रॉम देयर होम और ऑफिस। अब बेटा क्या है ये, एक्चुअल में है क्या ये चीज? देखो ये क्या है, क्या इज द सर्विस, ये कौन सी हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है दैट अलाउ अ कस्टमर टू एक्सेस देयर बैंक इन्फॉर्मेशन। हम कभी भी अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन, कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम किसी को पेमेंट करना है, किसी का पेमेंट आना है, ठीक है, डिपॉजिट, हमें किसी का भी पे बिल थ्रू इंटरनेट विदाउट हैविंग फिजिकल विजिट, हमें जाने से अच्छा हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी एप्स हैं और थ्रू इंटरनेट हम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखते हैं कैसे। ये क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, कन्वीनियंस, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, कन्वीनियंस, हमें बहुत सहूलियत महसूस होती है, हमें जाने की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ऑफ एक्सेसिंग बैंक फैसिलिटी फ्रॉम देयर कम्फर्ट और देयर, हम कहीं भी बैठे, घर बैठे, हम ऑफिस, हम वर्किंग है तो हम कहीं पे भी बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका भी मीनिंग था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंस, इसके अब कोई चीज आई है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी होगी और इसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ठीक है, और इसके हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें कुछ नुकसान भी है तो कुछ फायदे भी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था, ई बैंकिंग हम एक्चुअल में सब लोग मोस्टली हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा ई बैंकिंग का मतलब, अब देखते हैं हाउ वी गेट ई बैंकिंग सर्विस, हमें ई बैंकिंग सर्विस कैसे मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी कैन बी एक्सेस्ड बाय एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर, जो मैं SBI की कस्टमर हूं, मैं रेगुलर क्या कर रही हूँ, SBI से मेरा अकाउंट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, और एक कोई न्यू आया है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत होगी एक्सेस कराना या मेरे लिए होगी, तो हम ये बात कर रहे थे हाउ वी गेट ई बैंकिंग सर्विस। मैं SBI की कस्टमर हूँ, ठीक है, बहुत पहले से मेरा अकाउंट है, मैं उससे सारी फैसिलिटी भी लेती हूँ, लेकिन मेरे जो नेबर में रहता है वो आज गए SBI में अकाउंट खुलवाने और वो अभी नया है, मुझे स्टाफ भी जानता है, मैं उसकी कस्टमर पुरानी हूँ, मुझे सारा स्टाफ जानता है, मेरी कभी कभी मैनेजर से भी बात हो जाती है, वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो अब मुझे ATM कार्ड या पिन नंबर लेने में इजी होगा जो नया कस्टमर है उसको, जो पुराना है उसको, तो यही बोल रहा है ये वाला पैराग्राफ, हाउ वी गेट अ ई बैंकिंग सर्विस। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस कैन बी एक्सेस्ड बाय एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर, एग्जिस्टिंग मतलब पुराना, एंड न्यू बैंक, न्यू कस्टमर अलाइक, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर टिपिकली रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड देयर रिक्वेस्ट इन इंक्वायरी टू पर्सनल रिलेशन मैनेजर के साथ और बैंक सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, मेरे को स्टाफ भी जानता है, मुझे कैशियर जानता है वहां का, ठीक है, वहां का गार्ड जानता है, मेरे को सब लोग जानते हैं, ऑल स्टाफ जानते हैं, मेरी कभी कभी मैनेजर से भी बात हो जाती है, लेकिन एक नया कस्टमर क्या करेगा। टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फीचर, न्यू कस्टमर रिक्वायर टू प्रोवाइड देयर KYC इंफॉर्मेशन। KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर, क्या होता है, KYC की फुल फॉर्म लिख लो, नो योर कस्टमर, ठीक है, एंड कस्टमर इज इश्यूड अ पिन, और कस्टमर को क्या मिल जाएगा, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सेस टू डिटेल 1, हिज इंटरनेट अकाउंट इज वेरीफाइड। उसको एक्सेस करेगा अगर वो इंटरनेट पे तो उसका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, उसी अकाउंट से वो अपना काम करवा सकता है, उसने आज ही अकाउंट खुलवाया है, उसको पिन नंबर भी चाहिए, उसको अपने ATM भी करवाना है, तो वो पहले क्या कहता है, बैंक, न्यू कस्टमर रिक्वायर टू प्रोवाइड देयर KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इन्फॉर्मेशन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है ना, अगर उसको कुछ भी ऐसा इलीगल और कुछ भी लगेगा ये ऐसा ही नहीं है तो वो उसको नहीं देगा, ठीक है। कस्टमर इज इश्यूड अ पिन, अगर उसकी KYC नो योर कस्टमर वो जान जाते हैं बैंक एक कस्टमर को तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एक्सेस डिटेल वंस हिज इंटरनेट अकाउंट इज वेरीफाइड। अब हमने ना ये पढ़ लिया ई बैंकिंग का मीनिंग, हाउ वी गेट ई बैंकिंग सर्विस, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस क्या है, ईज ऑफ यूज, मतलब इजी है इसको यूज करना, घर बैठे बैठे कहीं पे भी हम कर सकते हैं, एनीवेयर बैंकिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है,
डायरेक्ट डिपॉजिट, अगर हमारे एसबीआई में, एसबीआई के अंदर ही हमारे उसी के ब्रांचेस के अंदर हमारे 4-5 अकाउंट है, तो हम उससे अपनी डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं, बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेस पेपर वर्क। ये सबको पता है, इसके एडवांटेजेस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके आपको एक एक थ्योरी लिखूं, तो ठीक है मैंने आपको सिर्फ ये पॉइंट्स समझाए हैं, पर पेपर में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से ई बैंकिंग आ गया तो उसके एडवांटेजेस और उसकी थ्योरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस पेपर वर्क, जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारा पेपर ज्यादा खर्च नहीं होता, इसलिए लेस पेपर वर्क, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, नेक्स्ट देखो डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इश्यू है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता हम सिक्योर हैं या नहीं है। पेटीएम, ठीक है, बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, उस पेटीएम बहुत अच्छा एग्जांपल है। कभी भी आपके अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, कभी भी आप कहते हैं उसको एक्सेस करो, आपके 200 रुपए आ जाएंगे पेटीएम में, सिक्योरिटीज का बहुत इश्यू है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ये तो कहते हैं कि आप सब कुछ ऑनलाइन करो, लेकिन जो हमारे यहाँ की सिक्योरिटी है ना इंडिया की, जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी, कभी भी कोई भी आके हमारा अकाउंट हमारा कुछ भी हैक कर सकता है, ठीक है। इसकी पूरा ब्रीफ डिस्कशन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉड और चीटिंग, ये सेम इश्यू है हमारे साथ, फ्रॉड हो सकता है, कभी भी कोई भी चीटिंग हो सकती है। इतने मैसेजेस आते हैं, हमारे पास कॉल आता है, अपना ओटीपी दे दो, क्यों दे दो, अपना पिन नंबर दे दो, अपना पेन नंबर दे दो, पेन है ना, अपना ओटीपी दे दो, अपना एक आईएससी नंबर होता है वो दे दो, दे भी देते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं सुबह कि हम आपके बैंक अकाउंट से बोल रहे हैं, हमें कुछ काम है, आपका पिन नंबर दे दो, आपका पेन नंबर दे दो, परमानेंट अकाउंट नंबर। जब आपने उसको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे दिया, चाहे आपके अकाउंट में 25 रुपए हो, चाहे 25 लाख, चाहे 25 हजार हो, वो निकल जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो आपके अकाउंट के थ्रू, ठीक है। कस्टमर सर्विस जो बहुत बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे कैसी है, लो लेवल की है, ठीक है। इसका हम एक डिस्कशन करेंगे, एक्चुअल में होता है सिक्योरिटी फ्रॉड चीटिंग और कस्टमर सर्विस, ओके। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम चैप्टर 7 कर रहे हैं ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, हम इसके एडवांटेजेस देख चुके हैं, अब हम इसके देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस। सिक्योरिटी, ठीक है, फ्रॉड और चीटिंग, कस्टमर सर्विस, इसकी तीन डिसएडवांटेजेस, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। हमने एडवांटेजेस ब्रीफ में नहीं पढ़ी थी, इजी टू यूज है, पेपर वर्क लेस करता है, वो हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ना जरूरी है। पेपर वर्क हमें नॉलेज चाहिए, हमें पेपर के पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार आ सकता है आपसे, एक बड़ा क्वेश्चन पूछ के और लिख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी या डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। सिक्योरिटी नहीं है हमारे ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में, हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। हम पूरा ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज सिक्योरिटी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्लेस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग साइट और एटीएम, पीपल आर एबल टू ऑब्टेन कस्टमर सर्विस, ठीक है, थ्रू सो कॉल्ड फिश पैशिंग वेयर समवन ट्राइज टू ट्रिक अ कस्टमर। यहां से इम्पोर्टेंट है, ये हमारा नॉर्मल था, यहां से इम्पोर्टेंट है, वेयर समवन ट्राइज टू ट्रिक्स अ कस्टमर थ्रू रिवेलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब आपके ओटीपी, आपका पिन नंबर, आपका पेन नंबर, ठीक है। वेयर मेलोडियस कोड आर इज इंट्रोड्यूस इन टू अ कंप्यूटर, कुछ ऐसा करते हैं वो लोग जिससे हमारे जो कंप्यूटर में कोड होते हैं वो खुल जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं किसी भी कैफे में जाके अपनी फेसबुक आईडी ना खोलें। पहले कहते थे ना किसी भी अपने, जब स्टार्टिंग में फेसबुक और नेट और आज से 7-8 साल पहले जब ये नेट और जब हमारे घरों में नेट थी, हम कैफे में जाके 10 रुपए देते थे 1 घंटे के 2 घंटे के 20 रुपए, तब कहते थे कि गलती से भी खोल दो तो लॉग आउट करके आओ अच्छे से, दोबारा एक बार चेक करो, तो वही सारे कोड हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाते हैं, फीड। कस्टमर कैन बिकम अ विक्टिम, कस्टमर क्या बन जाता है, एक विक्टिम बन जाता है, और जो एटीएम के थीफ होते हैं वो हमारा हैक कर लेते हैं सिस्टम पूरे को, पिन हमारा, पम हमारा क्या है, ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और कार्ड नंबर क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है। ये हमारा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। हम यूज तो कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आज कि हम घर बैठे बैठे अपनी पेमेंट कर रहे हैं, हमने एटीएम नंबर बांट रखे हैं लोगों को,
ये ले आ मेरे एटीएम ले ले, मतलब मेरा सॉरी अकाउंट नंबर ले ले, बांट रखे अकाउंट नंबर, ले यार तू ये ट्रांजेक्शन कर दे, ले यार तू ये कर दे, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते फ्रॉड और चीटिंग। नेक्स्ट देखो फ्रॉड एंड चीटिंग, आप सबको पता है कि हम जब कुछ ऑनलाइन वगैरह ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी कभार लोगों के साथ फ्रॉड और चीटिंग हो जाती है, उनकी कंप्लेन हम साइबर क्राइम में करते हैं। हमारे यहाँ साइबर क्राइम का अलग ब्यूरो है, वो पुलिस वुलिस उसमें कुछ नहीं करती, ठीक है, ये साइबर क्राइम के पास जाती है ये वाली इन्फॉर्मेशन। देखो अब कैसे करते हैं, ऑफर जॉब कॉल्स आते हैं, आपकी जॉब लग गई, वो सारे फेक होते हैं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। रिक्वायर्स यू टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, आपकी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकालने के, आपकी जॉब आ गई, आपको 50,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी, ये सिर्फ आपकी, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, अपना ओटीपी दे दीजिए, वन टाइम पासवर्ड जो होता है आपका, ठीक है, आप अपना पिन दे दीजिए, ठीक है, आईएफएससी नंबर दे दीजिए, बहुत कुछ होता है, ठीक है। कॉल फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल, आपके लिए बैंक की डिटेल मांग सकते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, पासवर्ड और यूजर आईडी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट विनिंग लॉटरी, सच मैसेज आर यूजुअली के पास सर्कुलेटेड है बच्चों, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। आपको याद है जो तारक मेहता देखते हो, मैं तो बहुत देखती हूँ तारक मेहता, ठीक है, उसमें एक बार आया था, बहुत पहले का एपिसोड है वो, बीड़े के पास जब अपने मेल्स चेक करते हैं रात को 12 समथिंग बजे, तो उसके पास एक मेल आता है किसी का कि आप 1,00,000 की लॉटरी जीत गए हो, याद करना, देखना एपिसोड नंबर बता दूंगी मैं आपको, वो उसी से रिलेटेड है ये। इन्फॉर्मेशन अबाउट विनिंग लॉटरी, सच मैसेजेस यूजुअली सर्कुलेटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हम कोई लॉटरी वॉटरी नहीं जीतते, उसमें ये था कि कोई एक बंदा था वो डोनेट कर रहा है 50 करोड़, 1-1 करोड़ बहुत सारे लोगों को दे रहा है, तो उसमें भीड़े का नाम आ गया था, ठीक है। उसने क्या किया, एक बार तो उसने 50,00,000 समथिंग ऐसी कुछ अमाउंट मांगा कि आप पहले ये आप हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाओ तो हम आपकी 1,00,000 की लॉटरी देंगे, फिर उसने समथिंग कुछ 1,00,000 समथिंग कुछ मांगा, ऐसे करते करते उसने उसकी मतलब बहुत सारे पैसे ले लिए थे, 5,00,000 समथिंग कुछ उसका निकलवा लिया था उसकी सब, ठीक है, और उसके बाद कहा आप ये लॉटरी से हट गए हो। उनका सिर्फ मोटिव होता है पैसे खींचना, ऐसे क्राइम भी होते हैं, लॉटरी जीत गए हो, पहले आप इतना पैसा जमा करवाओ आपको तो लॉटरी मिलेगी, ये सारे कॉल्स हमारी फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, हमारे जो कौन है अदर कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए अदर कंट्रीज से, उनका सब कुछ चेक कर, वो इल्लीगल होते हैं, हमें हमारा लॉ कहता है कि हमें अगर हम दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सब कुछ चेक करना चाहिए, कुछ इल्लीगल तो नहीं है, वो आधा काम इल्लीगल करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। एनकरेज कस्टमर टू इन्वेस्ट इन स्कीम दैट ऑफर्स अनटिल यू हायर रिटर्न। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं ये वाली स्कीम 450 की स्कीम, 4,50,000 रुपए 5 महीने बाद, ऐसे हमारे पास कुछ स्कीम्स आती हैं, वो सारी हमारी डिटेल निकलवाना चाहते हैं, तो हमारी ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड और चीटिंग का बहुत बड़ा काम है, बहुत होता है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज आ जाती है जिनका कोई रोल ही नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कहीं पे, ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हमारे जो 2013 है उसमें उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारी कंपनी आ गई है ना AOA है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना मेमोरेंडम है ना कुछ भी नहीं होता, और आके वो हम जैसे लोगों को लोग बेवकूफ बन जाते हैं, वो कहते हैं इन्वेस्ट करो इस वाली स्कीम में इस वाली में, ठीक है। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आपका फिनिश हो चुका है, कस्टमर सर्विस है वो देख लेना, बहुत सिंपल है कि कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती, क्यों, क्योंकि फ्रॉड और चीटिंग होता है, और हमने इससे एक पहले वाला पॉइंट बढ़ा, हमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर 8 है सेकेंड यूनिट का वो है, मैं आपको बताती हूँ, इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर, इनोवेशन कैसे हुआ बैंकिंग सेक्टर में, वो मैं एक वीडियो में खत्म कर दूंगी, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।